तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि क्रोम ओएस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो वर्जन है ये अभी 102। तो इस वर्जन को अगर आपको रिसीव करना है तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि इसको अगर रिसीव करना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट क्रोम ओएस में जाना है, फिर यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 102 इस वर्जन में आ चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसके लिए यहाँ पे ये कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है। तो आपका अगर यहाँ पे इससे कोई पुराना बिल्ड दिखा रहा है, पुराना वर्जन दिखा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको अपडेट कर लीजिए। अब अपडेट करने के बाद क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको एक वीडियो देखना है जो मैंने पहले से ही एक दिन महीने पहले उसको अपलोड किया था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप अगर क्रोम ओएस को सिंगल बूट या डुअल बूट में करके रख चुके हो, लेकिन आपको यहाँ पे पता नहीं है कैसे इसको अपडेट करना है, अगर आपका अपडेट रिसीव नहीं हो रहा है तो उस केस में कैसे अपडेट करना है मैनुअली, इसके लिए भी वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेवलपर चैनल या बीटा चैनल में जाना चाहते हो क्रोम ओएस का अंदर, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख चुका है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।